दोस्तों, मैं हूं किशन रेगर। इस वीडियो में हम जानेंगे SSO ID आसानी से कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दीजिए और गूगल पर सर्च कीजिए SSO राजस्थान, और नीचे जो है फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी SSO.rajasthan.gov.in, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। आप चाहे सीधा तो यहाँ पर URL डाल सकते हो SSO.rajasthan.gov.in, और सबसे पहले आपके सामने इस तरह से उसका होम पेज आ जाएगा SSO का। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर इस तरह आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहाँ पर सिटीजन जो भी है, नॉर्मल जो है श्रेणी में, उन सभी के लिए ये वाली आपको क्लिक करनी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो उसके लिए ये वाली क्लिक करनी है। अगर आपने कोई बिजनेस ओपन कर रखा है, बिजनेस के लिए आप SSO ID बनाना चाहते हो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं जो है वो सिटीजन के लिए ID क्रिएट कर रहा हूँ। तो नीचे ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, फेसबुक और गूगल। इन चार के माध्यम से आप जो है अपनी SSO ID बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जन आधार कार्ड के आधार पर बताऊँगा कि SSO ID कैसे बनाई जाती है। तो जन आधार कार्ड पर अपन क्लिक जन आधार पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। और इस तरह से जो जन आधार कार्ड अब आपने डाले हैं, उसके परिवार में जितने भी लोग होंगे उन सबकी लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी, और जिसकी आपको ID बनानी है उस पर आपको टिक कर देना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि जो भी मोबाइल नंबर इस नाम पर लिंक है उस पर सीधा OTP चला जाएगा। फिर OTP मोबाइल में प्राप्त होने के बाद में आपको यहाँ पर OTP को वेरीफाई करना है, OTP नंबर यहाँ पर डाल के इसको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपके सामने जन आधार के लिए जो है वो यूजर ID, एक तरह से SSO ID जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी, जो ऑटोमेटिक सामने से बनी हुई आएगी। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये यूजर ID जो है SSO ID वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे आप राइट पे क्लिक करोगे तो अगर अवेलेबल होगी तो वो सीधा नीचे पासवर्ड वाला ऑप्शन ओपन कर देगी। अगर नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक दो नाम और आगे पीछे और जोड़ने पड़ेंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, सन हो गया, कुछ भी जो है इस ID के आगे पीछे आप जो है जोड़ सकते हो। तो मैंने इस तरह से जो है मैंने भी इसमें एक दो अक्षर और जोड़ दिए हैं। उसके बाद में जो है नीचे यहाँ पर राइट पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, वापस कन्फर्म जो भी आप पासवर्ड हैं यहाँ पर ऊपर डाल रखे हैं वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको नीचे जो है यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। आप चाहोगे कि आपका अगर ईमेल आईडी से भी आप SSO ID बनाना चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही मैं इसको रजिस्ट्रेशन क्लिक करूँगा, तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में इस तरह से आपके सामने अलर्ट आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSO ID, और आपकी SSO ID आपके सामने इस तरह से दिख जाएगी। तो इस SSO ID और पासवर्ड को आपको लिख के रखना है और इसको याद करके रखना है। और फिर जैसे हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो SSO ID का जो है मेन लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब एक और चीज़ बता दूँ आपको, भामाशाह कार्ड से भी इसी तरह से आप जो है SSO ID बना सकते हैं। तो भामाशाह में भी आपको यहाँ पर भामाशाह पर क्लिक करना है और भामाशाह जो है ID है आपके वो डालने हैं, या फिर एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस तरह से जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपको नाम सेलेक्ट करना है, फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये जो है आपका SSO ID उस बन जाएगा। फिर जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है SSO ID जो SSO का मेन पोर्टल है मुख्य पेज वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पर लॉगिन पेज जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी SSO ID बनी है उससे आपको यहाँ पर लिखना है और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर नंबर दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये कैप्चा है, और ये कैप्चा लिख देने के बाद में लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। और इस तरह से जो है अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको आपका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो डिस्प्ले नेम वो लिख देना है आपको, जो भी आप जिस नाम से आपको डिस्प्ले करवानी है आपकी ID, जैसे आपका जो ओरिजिनल नाम है वो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, मेल फीमेल के बारे में यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। आपके जो अगर इसमें मोबाइल नंबर दे रखे हो तो ठीक, नहीं हो तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो है मोबाइल नंबर डालने हैं, सेंड OTP पर क्लिक करना है और OTP आए उससे आपको वेरीफाई करवाना है।
फिर उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर जो है सेव हो जाएंगे। इसी तरह जो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, और ईमेल आईडी जो है वो वापस ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, और वो आपको यहाँ पर वापस यहाँ पर लिखना है। और इस तरह से आप जो आपका एड्रेस और आपका पिन कोड नंबर, यहाँ पर अगर आपके भामाशाह आईडी है तो वो ठीक, नहीं तो इसको भी आपको यहाँ पर लिख देना है, और आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर इस तरह से जो है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। और उसके बाद में सामने से लिखा हुआ जाएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर अपडेट करना है, उसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से जो है आपकी SSO आईडी जो है वो अपडेट हो चुकी है, इस तरह से आपके सामने अलर्ट आ जाएगा और आपके मोबाइल पर भी मैसेज मिल जाएगा, और आप जो है इस तरह से आपकी SSO आईडी जो है वो बना पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।